अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर टाइनी स्टार्स, कैसे हैं बेटे आप लोग? सब बच्चों अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम लोग आज सूरह नाज़ियात के पार्ट टू के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो सब रेडी हैं आप लोग? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड इंशाल्लाह। तो दुआ पढ़ लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला से कैसे डरना चाहिए? बताइए, जल्दी बताइए। मोहब्बत और रेस्पेक्ट से डरना चाहिए, मोहब्बत और रेस्पेक्ट वाला डरना चाहिए। ओके, मोहब्बत और रेस्पेक्ट वाले डरने को क्या कहते हैं? इसे पता है, किसे पता है? चलिए बताइए जल्दी से। तख्शा कहते हैं। एग्जैक्टली, तख्शा कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सबसे बड़ा रब कौन है? अल्लाह सुबहाना व ताला हमारे सबसे बड़े और एक ही रब हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश कौन बरसाता है? बारिश अल्लाह सुबहाना व ताला बरसाते हैं। गुड गुड, गुड गोइंग, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए जल्दी से, रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्या हमें बड़ों की यानी कि पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए? तो क्या आंसर है इसका? हाँ, हमें पेरेंट्स की, बड़ों की, रिश्तेदारों की, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें पीठ फेर कर मम्मा की बात नहीं सुनना चाहिए? नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। नहीं, हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें तो क्या करना है? हमें तो फौरी मम्मा की बात सुनना है, राइट? फौरी मम्मा की बात सुनेंगे हम, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरौन के क्वालिटीज जैसे झुटलाना और नाफरमानी करना, क्या ये अच्छे काम थे या बुरे काम थे? बताइए। ये बुरे काम थे, गंदे काम थे। वेरी गुड। अच्छा, जहन्नम किसके लिए होगी? बताइए, जहन्नम किसके लिए होगी? जहन्नम तौहीन के लिए होगी, गंदे बैड पीपल के लिए होगी ना, तौहीन के लिए होगी। ओके, तामतुल कुबरा का मतलब क्या है? बताइए, बताइए क्या है तामतुल कुबरा का मतलब? बड़ी मुसीबत यानी कि कयामत, बड़ी मुसीबत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे इंटेलिजेंट होने पर, ब्यूटीफुल होने पर हमें क्या कहना चाहिए? बताइए, बताइए क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको ऐसा बनाया ना, तो हमको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें दिल की गंदी और गुनाह की बातें सुनना चाहिए? जो दिल कहता है गंदी बातें, गुनाह की बातें, क्या सुनना चाहिए? नहीं, हमें दिल की गंदी और गुनाह की बातें नहीं सुनना चाहिए। वेरी गुड। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए फटाफट, और फिर आप लोगों का क्विज रखेंगे हम। अच्छा, और आपको और एक एक असाइनमेंट ये करना है कि आपको रिकॉर्ड करके भेजना है कि शैतान हमको किस तरीके से गंदी गुनाह की बातें दिल में डालता है, तो वो कौन सी बातें हैं जो हमारे दिल में वो डालता है, जो हमको नहीं करना है। ओके, डन। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।